बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नासिर अली और आप देख रहे हैं टेक मास्टर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, वर्डप्रेस की सीरीज़ में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो कैटेगरीज होती हैं उनको कैसे एडिट किया जाता है, कैसे ऐड किया जाता है, कैसे इसको रिमूव किया जाता है। तो इस बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करने के बाद आप बैकएंड पे आ जाएंगे। बैकएंड पे आने के बाद आपने यहाँ पे आना है प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगी कैटेगरी की ऑप्शन। तो कैटेगरी के ऑप्शन को आपने करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपके पास कैटेगरीज मेंशन हो जाएंगी कि आपने ऑलरेडी कौन सी कैटेगरीज यहाँ पे एडेड हैं। तो यहाँ पे मैं एक कैटेगरी ऐड कर देता हूँ, नेम, ठीक है। फर्स्ट रो ट्वाइस मैं मैंशन कर देता हूँ और यहाँ पर भी आपने सेम वही नेम मैंशन कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर सब कैटेगरीज देखने हैं कि सब कैटेगरी तो नहीं है, मैं कहता हूँ नहीं, मेन कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद आप ये डिफ़ॉल्ट रहने दें और थंबनेल पे आप यहाँ पे आके पिक्चर ऐड कर सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट कोई पिक्चर जो इसके अंदर ही है वो मैं यूज़ करूँगा और ऐड न्यू कैटेगरी मेंशन कर दूँगा, ठीक हो गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये टॉयज़ की कैटेगरी आ चुकी हुई है और यहाँ से हम करते हैं रिफ़्रेश और देखते हैं कि हमारी कैटेगरी यहाँ पर शो हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रही, यहाँ पे देखते हैं तो भाई यहाँ पे तो दोनों जगहों पे कैटेगरी मेंशन नहीं हो रही। अब ये क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमें क्या इशू आ रहा है या क्या चीज़ है वो हम देखेंगे। तो आपने बैकएंड पे ही आना है। बैकएंड पे आने के बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास प्रोडक्ट कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस कैटेगरी में प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं है, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो हम क्या करते हैं, हम ऑल प्रोडक्ट्स पे आते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स पे आने के बाद हम जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो पहले से प्रोडक्ट यहाँ पे मौजूद है, उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, ठीक है। ये देखें, मैं इसी को ही कर लेता हूँ, पावर बैंक को ही। एडिट के बटन पर क्लिक किया और इसकी कैटेगरी इसी मेन कैटेगरी में मैं ऐड कर देता हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे कैटेगरी आ गई है, इसको टॉयज़ को सेलेक्ट करके अपडेट किया मैंने और अब देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास शो हो रही है कि नहीं हो रही। इसको करते हैं रिफ्रेश। अभी रिफ्रेश हो रही है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे टॉयज़ की ऑप्शन आ गई। हम इस पर देख लेते हैं कि इस टॉयज़ की कैटेगरी में वो जो हमने प्रोडक्ट की कैटेगरी चेंज की थी वो आ रही है कि नहीं आ रही। तो आपने देखा यहाँ पे वो प्रोडक्ट शो हो रही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। अब हम इसकी सब कैटेगरी बनाएंगे। पहले मेन कैटेगरी बन गई है, अब इसकी बनाएंगे सब कैटेगरी। तो यहाँ पर लिख देते हैं बॉयज़, गर्ल्स टॉयज़ कर देते हैं, बॉयज़ टॉयज़ कर देते हैं। सिंपल सा मैं बता रहा हूँ ताकि आप अपने उस पर कर लें। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको अपडेट करता हूँ, फर्ज करो ये पिक्चर लगा देता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे हमने करना है, मैं कहता हूँ ये जो कैटेगरी है वो इस टॉयज़ के अंडर में आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपने पेरेंट कैटेगरी को कर देना है सेलेक्ट। उसके बाद आपने एड न्यू कैटेगरी के बटन पर क्लिक कर देना है। अच्छा, दोबारा से प्रोडक्ट पे आएंगे हम लोग। उस प्रोडक्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट में कैटेगरी में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगी तो वो वहाँ पे आपको मेन पे कैटेगरी शो करवाएगा, अदरवाइज वो नहीं करवाएगा। ठीक है, क्या होता है भाई, प्रॉब्लम कर रहे हैं नेट हमारे साथ।
अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे मैंने सब कैटेगरी बनाई थी, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड होंगे। तो बॉयज़ टॉयज़ फॉर बॉयज़ कर दें या जो भी आप वहाँ पे मेंशन करते हैं। जैसे ही अपडेट करेंगे, अपडेट होने के बाद आपकी ये जो कैटेगरी है वो सबके यहाँ पे सामने शो होगी। इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर दिया। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, नहीं हमें अभी हो रही है रिफ्रेश, नेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है। चलें खैर, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। कैटेगरी के बटन पे क्लिक किया, जैसे ही कैटेगरी के बटन पे क्लिक किया तो ये जिसके आगे सब ऑप्शन सब कैटेगरीज होंगी तो वहाँ पे वो यहाँ पे एरो का निशान नज़र आएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, बॉय टॉयज आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपनी कैटेगरी को ऐड करना है। एडिट भी आप कर सकते हैं। हम एडिट कैसे करेंगे, जैसे फर्ज करो यहाँ पे इसका नाम एडिट करना है, क्विक एडिट पे करेंगे तो यहाँ पे नाम इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट कैटेगरी के बटन पे क्लिक किया आपने यहाँ पे, और यहाँ पे होने के बाद आपने, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिएगा बॉयज़ की जगह पे उस कैटेगरी का नाम आ जाएगा जो कि हमने अभी अपडेट की है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने सिंपल जो है वो अपनी कैटेगरी को ऐड करना है। डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट कैसे करेंगे ये देख लें। जस्ट आपने इसके ऊपर लेकर आना है, कर्सर लेकर आना है और यहाँ से इसको आपने कर देना है डिलीट, और ये आपकी कैटेगरी डिलीट हो जाएगी सिंपल वे से। ठीक है, तो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे साथ में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।